मैडम उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से और 22 जनवरी तक लगातार बीजेपी गांव-गांव रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करवाने का कार्यक्रम कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी इसका? मैं समझती हूँ भाजपा जो सरकार में आई है वो लोगों के हितों के लिए आई है और उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित प्रदेश में कैसे रहें। उनको इस बात में विचार करना चाहिए जब वो गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में जहां भारी संख्या वो युवाओं की देखें तो उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिले। जब वो देखेंगे किसानों की बदहाली तो उनको उस बात में विचार करना चाहिए कि जो आवारा पशुओं का जो सवाल है, जहाँ खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका निवारण करेंगे, तो उस बात में कोई हल निकला है कि नहीं निकला है? कि जहाँ कीमतें, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो गांव-गांव जा रहे हैं, अच्छा है। तो इन सब सुविधाओं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सरकार में है और जो उनका धर्म है इस समय कि लगातार लोगों को सुविधाएं दें, लगातार लोगों को नौकरियां दें, खुशहाली का वातावरण और एक खुशहाली का वातावरण प्रदेश में जो होना चाहिए, तो उस बारे में मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे और सही मायने में वह देश को प्रगति